Hello everyone, welcome to my channel Foodie Mom. I hope all of you are doing good. So friends, before we start with the recipe, please subscribe, like, comment and share. So in today's recipe, I am making a very simple parantha, that is palak parantha or spinach parantha as you say it. For that we need very basic ingredients. First one is flour, that is atta. Ye hai palak. हाफ कप पालक लिए मैंने, बॉईल करके रख लिए मैंने पहले से ही, ठंडी है. और यहाँ पर मैंने लिए हैं एक स्मॉल बॉयल्ड आलू, और मैंने लिए हैं वन स्मॉल अनियन चॉप्ड, वन ग्रीन चिली चॉप्ड, ऑप्शनल है ग्रीन चिली, अजवाइन ली है 1/4 teaspoon, सॉल्ट है 1/4 teaspoon, रेड चिली पाउडर है. अगर आपको तीखा ज़्यादा नहीं पसंद तो आप कम भी डाल सकते हैं. और यहाँ पर मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ आटा. इसके अंदर हम आटा मलेंगे, आटा गूंदेंगे. आटा डाल दिया, पालक डाल दिया, और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि पालक में अपना ही पानी है, उसी से आटा गूंथ जाएगा. और ग्रीन चिली अनियन और सारे मसाले डाल दिए, बॉयल्ड आलू डाल दिया. याद रखिए पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, वरना आपका आटा ढीला हो जाएगा और पराठा बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. अब अच्छे से क्रश करते हैं, आटा गूंथते हैं. अच्छे से आलू को भी क्रश कर लीजिए इसी टाइम पर. और ये देखिए आपका आटा गूंथ चुका है. अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा 1 teaspoon से भी कम ऑयल लगा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे. और 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आटे को थोड़ा सा और मल लेते हैं फॉर अबाउट 2 to 4 minutes. अच्छे से आटा अगर गूंदा हो तो हमारी रोटी बहुत अच्छी बनती है, चपाती बहुत अच्छी बनती है या परांठा बहुत अच्छा बनता है. अब यहाँ पर मैंने छोटा सा डो बॉल ले लिया है, आटा डस्ट कर दिया है उसके ऊपर अच्छे से. अब बेल लेते हैं, छोटी सी रोटी पहले बेलेंगे क्योंकि हम इसके जो अंदर है ऑयल लगाएंगे ताकि लेयर्स अच्छी बने परांठे की. अब मैंने ऑयल ब्रश कर दिया है अंदर थोड़ा सा. अब फोल्ड करूँगी, स्क्वायर परांठा बनाऊँगी. अब फोल्ड करने के बाद अंदर फिर से मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ताकि लेयर्स उभर कर आए और परांठा हमारा बहुत सॉफ्ट बने. बंद कर दिया, प्रेस कर दिया, थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ दोबारा से, डस्टिंग कर रही हूँ. और ये लीजिए बेलना स्टार्ट कर दिया दोबारा से. थोड़ा सा थिक रखे परांठे को तब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है. ज़्यादा पतला ना बेलें, थोड़ा सा थिक रखें. दूसरी साइड पर मैंने तवा गरम कर लिया है. ये देखिए तवा गरम हो चुका है, इस पर मैंने डाल दिया पराठा. ये मेरा ब्रेकफास्ट का पराठा है और बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है. इसके साथ आप बनाइए अपनी अदरक वाली चाय. और मैंने फ्लिप कर दिया है, दोनों साइड से पका रही हूँ. हाई फ्लेम पर भी पका सकते हैं पर ऑयल लगाने का मीडियम फ्लेम पर पकाएं, उससे पराठा बहुत बहुत क्रिस्पी बनता है. मुझे क्रिस्पी परांठे पसंद है, आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से जैसा चाहते हैं वैसा बना लें. प्रेस कर दें सारी साइड से अच्छे से, दबा दबा कर प्रेस करें. और दूसरी साइड पर भी हमने ऑयल ब्रश कर दिया अच्छे से. अब दोबारा फ्लिप कर देंगे, अब दूसरी साइड पकाएंगे. दबा दबा दें अच्छे से, दबा दें. और ये लीजिए आपका परांठा तैयार है. दूसरी तरफ मैंने अपनी चाय भी तैयार कर ली है, ये है जिंजर टी. इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर है, अगर आपका मन करे कि मैंने कैसे बनाई है तो आप प्लीज़ जाकर वीडियो को देखें. और ये मेरा परांठा तैयार है, इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल लेती हूँ. आई रियली होप कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे और आप ज़रूर ट्राई करें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर देना. इट विल मेक मी वेरी हैप्पी. सो आई रियली होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.